गल करते हैं पंजाब दे विच वधाईयां गईयां पाबंदियां दी। पंजाब दे विच हुण 30 अप्रैल तक नाइट करफ्यू लग गया ते इह पूरे पंजाब च लग गया, हर जिले दे विच हर शहर दे विच 30 अप्रैल तक हुण नाइट करफ्यू रहेगा। 12 जिले सन पहला, 12 जिले विच नाइट करफ्यू सी, हुण उसकी थां ते हुण पूरे पंजाब च रात 9 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक नाइट करफ्यू रहेगा। विआह ते सोग समागमां दे विच जे इनडोर हो रहा है तो उत्थे 50, जे आउटडोर हो रहा तो 100 लोगों के इकट्ठ में ही इजाजत होएगी, इस तो ज़्यादा नहीं आ सकते। सरकारी दफ्तर मुलाजमान मास्क पाना जरूरी होगा। 30 अप्रैल तक सियासी इकट्ठ करने के उत्ते भी मुकम्मल रोक लगा दी गई है, कोई सियासी रैली इकट्ठ नहीं हो सकता। मॉल जड़े ने, मॉल के अंदर जो दुकाना ने तो 10 तो वध लोग एक दुकान के अंदर नहीं वड़ सकते। जो छोटा मॉल है तो पूरे मॉल के अंदर 100 तो वध लोगों की एंट्री नहीं होएगी एक टाइम पर। जे वड्डा मॉल है तो उत्थे जिते 20 तो वध दुकाना ने उत्थे 200 तो वध लोगों की एंट्री नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई दे विच अज कोविड रिव्यू बैठक हुई सी, जिस दे विच फैसला लिया गया। तो एक होर वड्डी चीज़, 30 अप्रैल तक सारे स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। हालांकि पंजाब बहुत विरोध हो रहा है स्कूल कॉलेज बंद करन दा, प्राइवेट स्कूल वाले जिहड़े ने वो अपने पद्धर दे उत्ते संघर्ष कर रहे हैं, पर हुण 30 अप्रैल तक ये सारिया पाबंदियों के नाल नाल स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। तो नाइट करफ्यू रात 9 बजे तो होगा सवेरे 5 बजे तक। तो कोई भी समागम करवाना है, विआह करवाना है या सोग समागम है, तो जो इनडोर समागम है तो 50 लोग आ सकते हैं, आउटडोर है तो 100 लोग जिहड़े ने वध तो वध आ सकते हैं। पंजाब दे विच कोरोना केसेस लगातार वधदे जा रहे ने और इसे कारण पंजाब सरकार ने अज एक वड्डा फैसला लिया और यही कहा कि पूरे पंजाब दे विच अज तो नाइट करफ्यू जिहड़ा हैगा वह लगा दिता गया। हालांकि नाइट करफ्यू पहले सिर्फ 12 जिले तक सीमित हैगा सी, लेकिन हुण फिलहाल जिहड़ा हैगा नाइट करफ्यू पूरे पंजाब दे विच लगा दिता गया। और नाल ही नाल कुछ लोग हैगे ने उन्हां नाल गलबात करदे हैगे आ और उन्हां नूं पुछदे आ कि उन्हां दे की रिएक्शन ने जी पूरे पंजाब दे विच नाइट करफ्यू लगा दिता गया हैगा, तुहाडा कुछ रिएक्शन है? मैम, नाइट करफ्यू तो लगना ही चाहिए, जैसे कि लोग आप देख ही रहे हो इतने केस एक्टिवेट हो रहे हैं, डे बाई डे कोरोना बढ़ ही रहा है, तो नाइट कर्फ्यू तो लगना ही चाहिए। नाइट कर्फ्यू जो सरकार ने लगाया, आपका क्या रिएक्शन है? नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई यूज नहीं है मैडम नाइट कर्फ्यू का, 80% लोग तो घर पे रहते हैं, 20% में क्या करेंगे। और इस समय मैं थानू एक मार्केट दे विच लेके आई हुई हूँ और थानू दिखा रही हूँ कि किस तरीके दे नाल जो लोग हैगे ने ऑफकोर्स मार्केट दे विच घूम रहे हैगे ने। हालांकि सरकार दे वल्लों जिहड़ा हैगा पूरी रिस्ट्रिक्शन जिहड़ी हैगियां वह लगा दित्तियां गईयां, और नाल ही नाल यह भी कहा गया हैगा कि पंजाब दे विच कोई भी पोलीटिकल गैदरिंग जिहड़ी हैगी और नहीं होवेगी, और जेकर कोई भी पोलीटिकल गैदरिंग कोई भी पोलीटिकल रैली हुंदी हैगी है ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਐਕਟ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਇਨਡੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਊਟਡੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ April 30 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਵਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।